लवर्स कैसे हो? आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी गर्लफ्रेंड का भरोसा दोबारा जीते, क्योंकि एक बार उसने आप पे आंख मूंद करके भरोसा किया था और आपकी गलतियों की वजह से आपने वो भरोसा खो दिया। दोबारा ट्रस्ट करवाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट इम्पॉसिबल नहीं। मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आजकल रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि देखो रिलेशनशिप में आना इजी है, बट रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करें इसकी कोई कंप्लीट क्लास नहीं होती। आपसे कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसके वजह से भरोसा टूट जाता है और आप धोखेबाज प्रूव हो जाते हो। तो इसी चीज का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अपने इमेज को रिकवर कीजिए। एक नई तरीके से अपनी इमेज को बनाने के लिए दोबारा उसका भरोसा जीतना थोड़ा मुश्किल है, टफेस्ट काम है, बट दोबारा उसका भरोसा जीत लोगे तो उसे परमानेंट भी रखना, संभालना तुम्हारा फर्ज है। इसके लिए कुछ स्टेप है जिसे फॉलो करो। नंबर 1, की रियलाइजेशन हो गया है उस चीज को दिखाओ। अपनी बातों को उसके सामने ऐसे प्रेजेंट करो कि जैसे आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है और आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, ये गलतियां मुझसे हुई हैं। और इसे आप किसी भी तरीके से इमोशनली या उसके साथ बात करके अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उसके पास अगर आंसू भी बहाना पड़े तो बहा दो। जैसे लड़के जल्दी रोते नहीं है, अगर लड़के रो दिए तो लड़कियां जल्दी भरोसा कर लेती है कि हाँ, बंदा इतना इजीली रोता नहीं है, बट उसने मेरे लिए इतना वो सैड है, उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन है कि वो बंदा रो रहा है। इट मीन्स कि उसे भरोसा दोबारा हो जाएगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। देखो, लड़की को प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी किस चीज में? कि मुझसे ना गलती हो गई, लेकिन तुम हो ना, मेरी लाइफ में आ जाओ ना, कि तुम ही तो मुझे करेक्ट कर सकती हो। जब तुम मेरे साथ थी तो मेरे लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। मैं हूँ, थोड़ा मुझ में एरोगेंस है, गुस्सा आ जाता है मुझे, बट तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। तुम में तो बहुत सारी पावर है कि तुम मुझे चेंज कर सकती हो। तो कुछ चीजें हैं मेरी लाइफ में, चेंज कर दो ना। ऐसा जब आप बोलते हो तो उसे लगता है कि वो सुपीरियर है, वो तुम्हें चेंज कर सकती है, तुम उसके कंट्रोल में हो, यानी उससे तुम कंट्रोल हो सकते हो। लड़की को ये चीजें दिल में लगती हैं और वो सोचती है कि माफ कर देती हूँ, गलती हो गई है। नेक्स्ट है कि बात करें, और पहले बात करें उसके साथ, थोड़ा समय बिताएं कि वो क्या चाहती है, क्या अपनी लाइफ में वो मूव ऑन हो गई है या तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो, वो थोड़ा गुस्सा होगी, नाराज होगी, थोड़ा मनाना होगा, बट इस चीज में जल्दबाजी ना करें कि अगर वो नहीं मानी तो तुमने उसे बहुत सारी बातें सुना दी, अब्यूज कर दिया, कुछ भी बोल दिया, ऐसा जैसे दोबारा वो हर्ट हो जाए तो बात और बिगड़ सकती है। थोड़ा पेशेंस रखना होगा और पहले बात करना होगा। उससे सेकेंड चांस मांगे। जब आप उससे सेकंड चांस मांगते हैं तो उसके दिमाग में होता है कि ये रिलेशनशिप के लिए सीरियस है, तभी मुझसे सेकंड चांस मांग रहा है, और वो इस बारे में सोचेगी कि मुझे क्या करना है। जो भी प्रॉमिस करे उसे निभाए। अक्सर दोबारा रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में बहुत सारे प्रॉमिसेस कर देते हो जिसे निभा नहीं पाते, फिर आप फेक साबित हो जाते हो। इसलिए प्रॉमिस उतना ही करे जिसे आप निभा पाओ। शेयर करें अपनी बातें और झूठ ना बोले। झूठ बोलना सही नहीं होता रिलेशनशिप में, जो है सो है। लेकिन आप कई बार ऐसा होता है कि झूठ बोल देते हो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में या फिर अपनी इमेज सही करने के चक्कर में। एक आध झूठ चलता है, पर सीरियस झूठ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो, जो है सो है। अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड है जिसे तुम्हें लेके जाना है कहीं पे, कहीं ड्रॉप करना है, तो हाँ बता दो ना कि ऐसा है, फिर वो तुम्हें किसी और के साथ देखेगी तो फिर तुम्हारा और उसका भरोसा फिर से टूटेगा। इसलिए अपनी बातें शेयर किया करो और उससे झूठ ना बोला। प्यार जताए, ख्याल रखे, रिलेशनशिप को टाइम दे, बट हाँ ये ना करे कि आप उसे फोर्स कर रहे हो फिजिकल होने के लिए। देखो, हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन आप दोनों में हो, आप क्लोज आते हो, बट वो तब की बात थी। अब दोबारा जब तक वो ना चाहे उसे उस चीज के लिए फोर्स मत करो। ब्लैकमेल करना, मेरे पास आ जाओ, मेरे नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, लाइक तुम्हारी और मेरी पर्सनल पिक्चर्स है उसे मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, एवरीथिंग। ऐसी कोई भी चीज बकवास मत करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बिगड़ सकती है। तुम्हारी फ्यूचर जो है, तुम्हारा फ्यूचर बिगड़ सकता है, उसकी फ्यूचर जो है वो दांव पे लग सकती है। ये बकवास वाली बात करना छोड़ दो। किसी को आप जबरदस्ती अपने साथ प्यार में बांध के नहीं रख सकते। आप किसी को ऐसे ट्रीट मत करो कि जिससे वो तुम्हारी ऑनर, तुम्हारा पोजिशन है, उस पर अधिकार है। प्यार बांधने की चीज नहीं होती, प्यार आजादी की चीज होती है। तो आप उसे इंप्रेस करें, उसका भरोसा जीते और एक अच्छी लव लाइफ एंजॉय करें।
होप सो कि इसी तरह बहुत सारे वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और नहीं किया है तो प्लीज कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।